हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे यहाँ से लोग, उम्मीद करता हूँ यहाँ से लोग अच्छे होंगे। तो आज हम टर्किन टेक सर की वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, आईफोन 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स पर रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो करते हैं हम प्ले। दोस्तों, ये है साल की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग। जी हाँ, बैग देख के आपको पता ही चल गया होगा, और एक सिंगल नहीं है, iPhone 14, iPhone 14 Pro एंड iPhone 14 Pro Max। Wow! And these are 1 TB 512 GB variants, top of the line। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट impressions करने वाले हैं, अभी अभी मेरे पास आए हुए हैं। एंड अगर आप इधर देखोगे, लोग इतने सारे हैं, जस्ट टू लुक एट दिस, आई एम श्योर यू आर वेटिंग एज वेल। ऑलराइट, लेट्स अनबॉक्स। लेकिन प्रो मैक्स जो है वो थोड़ा साइड में रखते हैं, बड़े भाई को साइड में रखते हैं, छोटे भाई जो है वो खोलते हैं। दिस इज द ब्लैक एंड दिस इज द ब्लू। अगर ब्लू के बारे में बात करूं, थोड़ा लाइटर वेरिएंट आ गया है एंड प्रोबेबली दिस लुक्स स्लाइटली बेटर। ओके, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और वही है दोस्तों, केबल एंड डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स अबाउट इट। लेट्स लुक एट मैक्स, प्रो मैक्स, लेट्स डू इट। बड़ा भाई, ब्लू भाई बहुत मस्त लग रहा है, खतरनाक। ब्लैक जी अपनी जगह अच्छा है। दिस इज द पर्पल कलर, द न्यू कलर जो है वही है ये। एंड क्या बात है भाई, शाइन देखो भाई। मतलब इरशाद ने कहा कि इतना अच्छा नहीं दिखता है, बट आई विल डेफिनेटली डिफर फ्रॉम हिज थॉट प्रोसेस। आई लव दिस कलर। इसे जो फील है ना, इन हैंड फील, इट इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब आई हैव बीन यूजिंग आईफोन 13 प्रो मैक्स, और जो फुटप्रिंट है, नियरली नहीं, टोटली 100% सेम। मैं प्राइजेस बता दूंगा आपको, जो बेस वेरिएंट्स हैं इनके, दिस इज 80 जो नॉर्मल आईफोन 14 है, प्रो जो है 130 है बेस वेरिएंट, और इसका 140 है। वैसे हमारे पास जो वेरिएंट्स है टॉप ऑफ द लाइन, 190,000, 180,000 एंड 110,000। कैलकुलेट करके नीचे कमेंट्स में बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ दिस फोन कितनी होगी। ऑलराइट, लेट्स ओपन। एक चीज बताऊ, जो फ्रेम है ना प्रो में, दोज आर स्टेनलेस स्टील। जो नॉन प्रो वेरिएंट है वो बेसिकली एल्यूमिनियम है, एंड दे आर नॉन शाइनी, मैट वेरिएंट है। वेयर एज इफ यू लुक एट दीज, दीज आर वेरी वेरी शाइनी। तो डेफिनेटली फिंगरप्रिंट्स आने वाले हैं इसके ऊपर। बट एट द सेम टाइम, जो नॉन प्रो वेरिएंट की फ्रेम है, दैट स्टैंड्स आउट अ बिट। मतलब जब आगे से देखोगे तो दिखती है, वेयर एज फॉर प्रो वेरिएंट्स इट्स वेरी सटल, डज नॉट लुक, इट लुक्स लाइक ऑल स्क्रीन। क्विकली वेट किया जाए, ये जो 5 लाख के फोन है वो गिराने वाला भी हूं मैं। यस, बट यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स लुक एट द वेट। ऑलराइट, 190 grams। ओ, 171। वाओ, इट फील्स डेंस, लाइट लगता है, लेकिन मुझे लगा हैवी रहेगा, आफ्टर ऑल आईफोन है। ये डेफिनेटली 190 है, डेफिनेटली। आई एम टोटली ऑफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है मेरे में, आई रियली डोंट नो। ओके, दिस इज 241.9। वैसे ये पता था मुझे, क्योंकि पिछला भी जो था वो, दैट वाज अराउंड 240 ग्राम्स, एंड सेम फील है, क्योंकि मैं एज अ डेली ड्राइवर उसे यूज करता था, सो आई न्यू इट, बट दिस वंस आई डिडंट। वैसे और एक चीज, ई सिम, इंडिया में जो वेरिएंट्स है दोस्तों, उसमें ई सिम के साथ में फिजिकल सिम भी आपको मिलेगा। तो डुअल सिम है, एक ई सिम पे डालिए और एक फिजिकल सिम पे डालिए, लेकिन यूएस वेरिएंट्स में दे ओनली हैव ई सिम। That's a bummer. All right, हमने Pro Max सेटअप किया हुआ है एंड नॉर्मल iPhone 14 सेटअप किया हुआ है। Let's start with iPhone 14, जो बेस वेरिएंट है, बहुत सारे लोग स्पेशली इंडिया में यही बाय करने वाले हैं। जो डिस्प्ले है दोस्तों, that has gone one step ahead. Sizes सेम है, 6.1 inch for Pro and normal iPhone 14. इसमें अब मिनी जो है वो वर्जन चला गया है, now comes plus, जी हाँ, which is 6.7 inch, exactly like this. और हाँ, वो जो डायनेमिक आइलैंड है ना, वो नॉन प्रो में नहीं है, इट्स ओनली इन प्रो। लेकिन एक बात अच्छी है, अगर आप नॉच के पास देखोगे, छोटी हो गई है नॉच। सो या, नॉच छोटी हो गई है, बट पूरी तरह से गई नहीं है। क्विकली आपको बता दूं कि iPhone 13 और iPhone 14 जो मेरे पास है दोस्तों, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तो नॉच छोटी हो गई है, कैमरा में स्लाइट इंप्रूवमेंट हो गया, मेगापिक्सल सेम है, 12+12 पीछे की तरफ, और आगे आपको 12 मिलेगा। लेकिन जो सेल्फी कैमरा है, ऑटो फोकस के साथ आता है, तो ग्रुप सेल्फीज वगैरह जब आप निकालोगे, इट विल बी मच बेटर। एपर्चर इंप्रूव हो गया, पहले f1.6 था iPhone 13 में, इसमें 1.5 हो गया, तो लो लाइट में और भी ज्यादा अच्छे फोटोज आएंगे। और हाँ, थोड़ा परफॉर्मेंस बम्प भी है, इवन दो इट इज A15, सेम चिपसेट है, लेकिन अब 5-core GPU हो गया, इसका मतलब एक कोर ज्यादा आ गया है GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। वैसे सभी फोन्स में सॉफ्टवेयर फीचर्स में दो बड़े फीचर्स जिनके बारे में कीनोट में बात की थी, एक तो क्रैश डिटेक्शन, जी हाँ, वो आ गया है, एंड SOS सैटेलाइट मैसेजिंग जो फीचर है, वो फॉल में, मतलब नवंबर दिसंबर में वगैरह आने वाला है, वो फीचर अभी तक आया नहीं है, बट दीज आर द टू बिग फीचर्स इन ऑल द
द न्यू आईफोन्स। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोज की। जी हाँ, वैसे साइज अगर मैं आईफोन 14 प्रो के बारे में बात करूं, 6.1 इंच का ही डिस्प्ले है, बट द डिस्प्ले हैज बिकम LTPO डिस्प्ले। जी हाँ, इसका मतलब जो रिफ्रेश रेट है, जो भी आप काम कर रहे हो आपके फोन के ऊपर, उस हिसाब से चेंज होगा। तो बैटरी एफिशिएंट ज्यादा हो गया, LTPO ऑब्वियसली इज बैटरी एफिशिएंट। और दोस्तों ये आपको डिस्प्ले दिख रहा है, जी हाँ, इट इज 1 Hz ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, और जो आपका बैकग्राउंड होगा वो पूरी तरह से दिखेगा। दिस टाइम द इंप्लीमेंटेशन ऑफ AOD इज वेरी गुड विदाउट अफेक्टिंग द बैटरी लाइफ। इनफैक्ट बैटरी लाइफ इंप्रूव हो गई, उसके बारे में बात करने वाला हूं। डिस्प्ले का ब्राइटनेस थ्रू द रूफ हमने एक्चुअली टेस्ट किया ब्राइट सनलाइट में। ब्राइट सनलाइट के ऊपर भी कुछ लाइट होगा दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर डालोगे डिस्प्ले आपको अच्छी तरह से दिखेगा। 2000 nits पीक ब्राइटनेस आ गया इसमें, एंड दैट रियली शोज। वैसे आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जैसे मैंने कहा अभी अभी फोन आया हुआ है, एक घंटा भी नहीं हो गया, इमीडिएटली अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आपके लिए। इसका डिटेल रिव्यू एंड कैमरा कंपैरिजन वगैरह आने वाले हमारे सभी मराठी, हिंदी, इंग्लिश सभी चैनल्स के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज लॉट मोर वीडियोस कमिंग एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात हुई थी आईफोन लॉन्च इवेंट में वो थी डायनेमिक आइलैंड के बारे में। यस, लास्ट 6 months वी हैव बीन टॉकिंग कि भाई एक पिल शेप्ड होने वाली है नॉच, देन पंच होल होने वाला है, लेकिन दिस इज व्हाट यू हैव गॉट नाउ। लुक एट दैट। जी हाँ, बट एक बात कहूं आपसे दोस्तों, ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन किया हुआ है, इट इज जस्ट नॉट अ नॉच या फिर पिल शेप कटआउट नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ही सीमलेस इंटीग्रेशन हुआ है इसका। इसका मतलब जब आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो उधर ही आप पॉज या फिर आगे आपको दूसरा नेक्स्ट सॉन्ग चूज करना है वो सब कर पाओगे। अगर आपने टाइमर लगाया हुआ है उधर एग्जैक्टली आपको दिखेगा। तो बहुत सारे जो एप्स हैं वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है। इनफैक्ट फेस अनलॉक जब आप करते हो उधर ही वो जो एनिमेशन है फेस अनलॉक का हुआ आ जाता है। और शायद ऐसे भी लगता है कि फेस अनलॉक भी थोड़ा फास्ट हो गया है उसकी वजह से। आई एम नॉट श्योर, बट आई विल टेल यू अनदर थिंग विद द डायनेमिक आइलैंड। क्योंकि हम टेस्ट कर रहे थे दोस्तों, थोड़ा ऊपर की तरफ मतलब इंटरैक्ट करने के लिए अगर प्रो मैक्स आप लेते हो आपके हाथ छोटे पड़ जाएंगे। यू विल हैव टू मूव योर थंब अ बिट ऊपर और फिर यूज करना होगा, तो वन हैंड यूसेज विल बी डिफिकल्ट, बट नॉट विद प्रो। प्रो मैक्स में डिफिकल्ट है। Let's talk about performance. Pro में जो performance है दोस्तों, oh my God, हमने Geekbench run किया दोस्तों। पता है multi-core score क्या है दोस्तों? 5300 के ऊपर। याद रखिए, comparatively 8 plus Gen 1 के next level flagship Android phones है ना, उनका 4000 के करीब आया हुआ है। Even I think only 2 or 3 phones, बाकी सब 3500 के करीब है। This one is more than 5300 and that is crazy. और इसके आगे क्या बात करूं performance के बारे में? I mean अंतुतु स्कोर हमने रन नहीं किया है अब तक, बिकॉज लाइक आई सेड इट इज जस्ट कम, अभी तक ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। रुकिए, उसके लिए सब कुछ आपको पता चल जाएगा, बट परफॉर्मेंस इज गॉन थ्रू द रूफ। हाँ पता है, कैमरा में भी बम्प अप है प्रो में, नॉन प्रो वेरिएंट में ज्यादा नहीं है बट इसमें ज्यादा है, इवन मेगा पिक्सल्स। जी हाँ, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है, 48+12+12, प्राइमरी सेंसर 48 मेगा पिक्सल का आ गया है। एंड आई बी ऑनेस्ट, 12 मेगा पिक्सल का जो सेंसर है ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है इतने साल से, सो आई एम प्रीटी श्योर कि 12 मेगा पिक्सल अच्छे। 48 मेगापिक्सल सेंसर से मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, बट अभी हमने फोटोज निकाले दोस्तों, एंड नॉर्मल 1x पे जो आप फोटोज निकालते हो दे कम आउट ब्यूटीफुल, शार्प, कॉन्ट्रास्टी, मतलब बहुत अच्छे लगे। ऑब्वियसली अगेन अलग अलग कंडीशंस में हमें उस कैमरा को यूज करना होगा, बट जितने भी हमने निकाले हुए हैं अभी अभी दोस्तों, उसकी लिंक मैं जी ड्राइव लिंक दे रहा हूं, जरूर देखिए, बट वेट फॉर दैट कैमरा रिव्यू। वैसे एक चीज कहना चाहूंगा कि 2x 1x पे बहुत अच्छे आते हैं, 2x मोड भी आ गया। जब आप 2x करते हो तो स्लाइटली सॉफ्ट दिखते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ऑप्टिकल, एक्चुअली वो थोड़ा जूम करते हैं और उतना ही आपको देते हैं जब आप 2x करते हो तो, सो इट माइट लुक अ लिटिल सॉफ्ट, बट वेट फॉर द वर्डिक्ट। दो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। विद आईफोन 13 दे हैड इंट्रोड्यूस्ड सिनेमैटिक मोड, लेकिन उसमें 4K नहीं था, अब 4K 30fps इन सिनेमैटिक मोड आ गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है एक्शन मोड, जो स्टेबिलाइजेशन जो पहले ही बहुत अच्छा था वो अब और भी नेक्स्ट लेवल हो गया। वैसे दोस्तों एक चीज बता दूं, 48 मेगापिक्सल एक्चुअल रेजोल्यूशन के साथ अगर आपको फोटोज निकालने तो उनके रॉ मोड में आपको निकालने होंगे, और पता है एक फोटो की साइज क्या होती है? 75 MB एंड अपवर्ड्स। जी हाँ, 75 MB एक फोटो की साइज। वैसे बहुत सारी चीजें सेम भी है, फॉर एग्जाम्पल बैटरी जो है दोस्तों नियरली सेम है, थोड़ी बढ़ गई है इवन विथ, क्यों मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि इवन विथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक घंटे से ज्यादा आपको बैटरी लाइफ मिलेगी, विच इज गुड। आईफोन 13 वॉज अ बिग लीप वेन इट केम टू बैटरी लाइफ, एंड दिस कैरीज फॉरवर्ड अ लिटिल मोर। बैटरी चार्जिंग लेकिन एग्जैक्टली सेम, 20 W चार्जिंग। यस जी हाँ, मुझे पता है आप रुके हो ड्रॉप टेस्ट के लिए, वैसे ज्यादा टेंशन नहीं है मुझे। इसमें सिरेमिक शील्ड आता है, विच इज अगेन टफेस्ट ग्लास एवर ऑन आईफोन, जो हमेशा एप्पल कहता है, बट हाँ ये जो है दोस्तों इट इज टफ, वेरी टफ, लेकिन अगेन प्रोन टू स्क्रैचेस। तो अगर आप लेने वाले हो तो मैं कहूंगा स्क्रैच गार्ड जरूर लगाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू दिस,
दिस इज iPhone 14 एंड दिस इज iPhone 14 Pro Max 240 grams कमिंग डाउन. ओह माय गॉड, ये एक दूसरे पे गिर गए. व्हाट जस्ट हैपेंड भाई साहब? व्हाट जस्ट हैपेंड? नहीं कुछ नहीं. मुझे ये दिख रही है, लुक एट दैट लाइन. नहीं कुछ नहीं हुआ है. इन दोनों को गिराया तो प्रो को क्यों नहीं गिराएंगे भाई? थोड़ा दूर हो जा. ये आगे जो लोग बैठे हैं ना वो हंस रहे हैं, लिटरली वो कह रहे हैं आई मीन 5 लाख के फोन्स आप गिरा रहे हो, बट क्या करें दोस्तों, आपके लिए करना पड़ता है. सेल होने वाले हैं फोन 14 की. तो वैसे दोस्तों बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने बात की आईफोन्स के बारे में, सब कुछ अच्छा है, डिस्प्ले, बैटरी, वायरलेस चार्जिंग वगैरह तो है ही, लेकिन एक बात कहूँ जो छोटी सी चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी. देखिए ये जो नॉन प्रो वेरिएंट्स है ना, उसमें अभी भी आपको 60 हर्ट्ज की स्क्रीन मिल रही है. आप जब 80-90 हजार के ऊपर का फोन लोगे एंड यू आर नॉट गेटिंग अ फास्ट रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, दैट आई थिंक शुड हैव बीन एटलीस्ट 90 हर्ट्ज होता तो बहुत अच्छा होता. बट फिर भी एक बात कहूँ, इवन विद दैट 60 हर्ट्ज बहुत लोग आईफोन 14. तो भाई हमारी वीडियो हो चुकी है ख़त्म भाई. आईफोन 14 प्रो मैक्स भाई खतरनाक है भाई फ़ोन, बहुत भाई सारे फ्यूचर अल्टीमेट है उसके सारे फ्यूचर. अगर आप लेना चाहते हो तो भाई जरूर लेना भाई, और कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ भाई टैग जरूर करना. तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय. और भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में.